दोस्तों फेमस यूट्यूबर गौरव तनेजा, इन्हें आज कौन नहीं जानता। कल 9 जुलाई को इनका बर्थडे था, पर इन्हें अपना बर्थडे मनाना भारी पड़ गया। गौरव तनेजा को नोएडा 51 मेट्रो स्टेशन पर अपना बर्थडे मनाना भारी पड़ गया। हालांकि एक सरप्राइज प्लान था, उनकी पत्नी रितु राठी ने ही बर्थडे पार्टी प्लान की थी। उन्होंने एक पूरा मेट्रो कोच ही बुक कर लिया था। आप ही सुने उन्होंने क्या कहा। कल है मेरी जान का बर्थडे, गौरव का बर्थडे, और मैंने इतना बढ़िया सरप्राइज प्लान किया ना कि आपको भी मजा आ जाएगा। तो मैंने एक पूरी मेट्रो बुक कर लिया इनके लिए, वहां पे बर्थडे मनाएंगे इनका आप सबके साथ। ये सरप्राइज है, अभी कोई स्टोरीज वोरीज इनको टैग करके मत डालना, बस आप सब आ जाना यार, खूब मजे करेंगे। कल 1:30 PM पे सेक्टर 51। वो अपना बर्थडे मनाने मेट्रो स्टेशन पहुंचे, तब उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। इससे वहां पर अफरा तफरी मच गई और मेट्रो स्टेशन के बाहर जाम भी लग गया। फिर पुलिस ने आकर गौरव तनेजा को गिरफ्तार कर लिया। गौरव तनेजा पर धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप लगा और उन पर धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद रितु राठी ने एक और स्टोरी लगाकर यह बताया कि निजी कारणों की वजह से गौरव का बर्थडे कैंसिल कर दिया गया है। बाकी दोस्तों, मैं तो गौरव तनेजा का बहुत बड़ा फैन हूँ, आप उनके फैन है या नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी वीवो पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगा है और इसी बीच विराट कोहली के एड्स को भी बंद कर दिया गया है। वीवो ने IPL 2021 से पहले विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसिडर बनाया था। कंपनी ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक विराट कोहली के एड्स टीवी पर नहीं आएंगे। ईडी की टीम ने देश भर में वीवो उर्स से जुड़ी कंपनियों के 44 ठिकानों पर छापेमारी की है। बाकी दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।